class we have learned about vitamins and deficiency period due to the lack of vitamins. And today I am going to teach you about the minerals. About minerals and deficiency period due to the lack of minerals. And minerals you have, वो कितने तरह के होते हैं और उनकी कमी से हमारे बॉडी में कौन सी डिफिशियंसी डिजीज होती है. तो डिफिशियंसी डिजीज मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि व्हाट इज डिफिशियंसी डिजीज, यानी न्यूट्रिएंट्स, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमारे बॉडी में यदि कोई डिजीज होता है तो उसको डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं. और जब उस न्यूट्रिएंट्स को हम प्रॉपर क्वांटिटी में, अमाउंट में हम खाना शुरू कर देते हैं तो डिफिशियंसी डिजीज ठीक हो जाती है. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, डिफिशियंसी डिजीज ड्यू टू द लैक ऑफ मिनरल्स. मैं यही बता चुकी हूँ कि मिनरल्स कितने तरह के होते हैं. देर आर टू टाइप ऑफ मिनरल्स, मेजर मिनरल्स एंड रेस्ट मिनरल्स. मिनरल्स इज यूज टू बिल्ड अप आवर बॉडी, आवर मसल्स. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बोन्स, आवर नर्व्स. इन सब चीज़ों के लिए मिनरल्स जो है वो जरूरी है. और मेजर मिनरल्स क्या है, जैसे कि हमारे मेजर मिनरल्स कैल्शियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस. तो ये जो है वो मेजर मिनरल्स हो गया. ट्रेस मिनरल्स, मेजर मिनरल्स हमें ज़्यादा मात्रा में खाने की ज़रूरत होती है. और ट्रेस मिनरल्स क्या है, जो हम थोड़ा सा भी खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा हमें बॉडी को चाहिए. और ट्रेस मिनरल्स जो है वो क्या है, जैसे कि आयरन जो हो गया वो ट्रेस मिनरल्स है, कॉपर, कोबाल्ट, ठीक है, आयोडीन, ये ट्रेस मिनरल्स हैं. तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, नाउ आई हैव टू टीच यू दैट व्हाट आर द डिफिशियंसी डिजीज ड्यू टू द लैक ऑफ मिनरल्स. तो सबसे पहले मिनरल्स में हम लोग देखेंगे क्या, कैल्शियम. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज यूज, ये हमारी बोन्स को, हमारे टीथ के लिए, इट इज नेसेसरी फॉर आवर बोन्स एंड टीथ. बोन्स और टीथ को ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है. और यदि इसकी डिफिशियंसी हमारे बॉडी में हो जाती है तो कौन सा डिजीज होता है, ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट. एडल्ट्स में ये जो है हड्डी का कमजोर होना, वीक बोन्स, तुरंत जो है वो बोन्स फ्रैक्चर हो सकता है गिरने पे या चोट लगने पे, या हमारे बोन्स में पेन, ज्वाइंट पेन्स, ठीक है. तो ये एडल्ट में ऑस्टियोपोरोसिस एंड चिल्ड्रन में क्या होता है, रिकेट्स. रिकेट में क्या होता है कि बोन जो हमारा जो बोन्स है वो वीक हो जाता है, सॉफ्ट हो जाएगा, बो शेप लेग. छोटे बच्चों का पैर देखिएगा, किसी का पैर मुड़ा हुआ, बो शेप हो जाता है. ये विटामिन डी में भी मैं आप लोगों को बताई थी, विटामिन डी की कमी से भी बीमारी होती है. एंड कैल्शियम फॉस्फोरस की डिफिशियंसी से भी डिजीज कौन सा होता है, रिकेट्स इन चिल्ड्रेन. ठीक है, तो चिल्ड्रेन में यदि रिकेट होता है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए. तो कैल्शियम जो है हमें जो है रिच फूड, ठीक है, जैसे कि हमें मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, ये सब चीज़ें जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो वो हमें खाना चाहिए. तो ये बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है. पेशेंट शुड टेक कैल्शियम रिच फूड. ओके, देन आफ्टर सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम, एंड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम डिजीज पैरालिसिस, मसल्स वीकनेस. मसल्स में वीकनेस हो जाता है, हमारा जो है वो मसल्स वीक होता है. थोड़ा सा काम करेंगे तो हमें थकावट महसूस होने लगेगी, थक जाएंगे थोड़ा सा काम करेंगे तो ये मसल्स में वीकनेस हो जाता है. सोडियम एंड पोटेशियम, एंड सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो मेंटेनिंग बॉडी वाटर बैलेंस. हमारे बॉडी का जो है सोडियम और पोटेशियम क्या मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस बॉडी का. तो वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, इससे क्या होता है कि यदि इसकी कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन हमें हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा. डिहाइड्रेशन होगा तो फिर वीकनेस होगा, तो इसलिए मसल्स वीकनेस हो जाता है, पैरालिसिस अटैक भी हो सकता है. तो ये डिफिशियंसी डिजीज किस चीज का हो गया, सोडियम एंड पोटेशियम का. देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का भी है वीक मसल्स. डिफिशियंसी डिजीज कौन सा है,
वीक मसल्स एंड नर्व्स, नर्व्स भी वीक हो जाते हैं, नर्व्स प्रॉपर वे में काम नहीं करता है, मसल्स में वीकनेस हो जाता है, किसके डिफिशियंसी से, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या करता है, रेगुलेट द फंक्शन ऑफ मसल्स एंड नर्व, और इसे जो डिलीज होता है वो कौन सी डिलीज होती है, तो वीक मसल्स एंड नर्व्स भी डिलीज हो जाती है। देन आयरन, आयरन जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, इससे कौन सी डिलीज होती है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन द डिजीज इज एनीमिया। एनीमिया मतलब कि ब्लड की कमी हमारे बॉडी में हो जाती है। किस चीज की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है, रेड ब्लड सेल्स का भी फॉर्मेशन करता है, एंड हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन आयरन से होता है। हीमोग्लोबिन का बहुत सारा यूज है हमारे ब्लड में जो रहता है, तो इसकी कमी से जो डिजीज होती है उसको कहते हैं एनीमिया। अब एनीमिया यानी ब्लड की कमी हमारे बॉडी में हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो हमें से हमेशा वीकनेस फील होगा, हम तुरंत थक जाएंगे, हमारे स्किन का कलर जो है वो येलो कलर हो जाता है। ठीक है, तो स्किन का कलर भी चेंज हो जाएगा, बॉडी कलर वीकनेस, व्हाइट नेल्स हो जाते हैं, यानी नेल्स का कलर कैसा हो जाता है, नेल्स में व्हाइट व्हाइट स्पॉट आने लगता है, व्हाइट नेल्स हो जाते हैं। एंड स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट, यानी कि यदि ब्लड की कमी होती है तो क्या होता है कि हमारा जो है वो हैंड और फीट ये स्वेलिंग खुल जाता है, हाथ और पैर में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, डिफिशियंसी किसकी डिफिशियंसी से, आयरन की डिफिशियंसी से, क्योंकि ये क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, और डिफिशियंसी डिजीज इज एनीमिया। नाउ द डिफिशियंसी डिजीज ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन द डिजीज इज गोइटर। गोइटर कहते हैं जैसे यहाँ पे नेक में थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है, वो स्वेल कर जाता है, खुल जाता है, जिसको ढेंगा भी बोलते हैं, तो आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है डिजीज इज कॉल्ड गोइटर। ठीक है, एंड स्वेलिंग ऑफ आवर थायराइड ग्लैंड, यदि थायराइड ग्लैंड, वो थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाता है और उसको डिजीज को क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं। तो आयोडीन प्रॉपर वर्किंग ऑफ द थायराइड, इसका फंक्शन क्या है, प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, और डिफिशियंसी डिजीज है गोइटर, स्वेलिंग इन नेक, स्वेलिंग इन नेक, एंड मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। इससे क्या होता है, यदि आयोडीन की कमी होती है, जिस भी बच्चे में आयोडीन की कमी हो, यदि मान लो कि छोटे बच्चे हैं उनमें आयोडीन की कमी है, तो मेंटली भी वे पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, वीक हो जाता है उनका। ठीक है, तो मेंटल रिटार्डेशन भी कहते हैं उसको, मेंटली भी वीक हो जाते हैं। तो आयोडीन एक तो वाइट हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ नेक, थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाता है, और दूसरा क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि वे मेंटली जो है बच्चे वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, मंद बुद्धि हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है ये हमारे टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि फ्लोरीन जो है हमारे बॉडी में इसकी कमी हो जाए, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर टीथ, एंड द डिफिशियंसी डिजीज इज फॉर टीथ, दांत झड़ने लगता है, गिरने लगता है, किसकी डिफिशियंसी से, फ्लोरीन की डिफिशियंसी से, मेक्स टीथ स्ट्रॉन्गर, फ्लोरीन मेक्स टीथ स्ट्रॉन्गर, एंड द डिफिशियंसी डिजीज इज टीथ डिके, यानी दांत जो है वो गिरने लगता है, इंक्रीज टीथ डिके। ओके, तो ये सब जो है आपका डिफिशियंसी डिजीज हो गया। मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, एंड डिफिशियंसी डिजीज इज, आप ये टेबल अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिए कि ये डिजीज कौन कौन से है, इनका नेम आप लोग को याद रखना है। इसके बाद में जो है, देन आफ्टर वी लर्न अबाउट द डिफिशियंसी डिजीज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन यदि हम नहीं खाएंगे, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड, जैसे कि पल्सेस में प्रोटीन हमें मिलता है ना, फिर इसके बाद जो है मीट, फिश, एग, ये सब जो हम लोग खाते हैं इसमें प्रोटीन होता है, यदि प्रोटीन की कमी हमारे बॉडी में हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है, कौन सी होता है,
डिफिशियंसी डिजीज ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड क्वाशियोरकर। अब क्वाशियोरकर डिफिशियंसी डिजीज में क्या होता है कि ये स्मॉल चाइल्ड में होता है, छोटे बच्चों में हो जाता है, ब्लॉटेड बेबी। किसी किसी बच्चे का देखिएगा बहुत वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, लिम्स जो है स्वेलिंग लिम्स होता है, यानी कि ज्वाइंट जो है स्वेल किया हुआ रहेगा, ब्लॉटेड बेबी, पेट निकला हुआ रहता है, ठीक है, हेयर का कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक नहीं होकर ब्राउन हो जाता है हेयर का कलर, तो ये जो है वीक मसल्स भी वीक हो जाते हैं, ग्रोथ कम होता है बच्चों में, स्टंटेड ग्रोथ, तो वीक मसल्स, स्टंटेड ग्रोथ, ब्लॉटेड बेलीज, तो ये किसी का सिम्टम हो गया क्वाशियोरकर का। जो बीमारी होती है क्वाशियोरकर उसकी डिफिशियंसी डिजीज जो है वो क्या है, प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर भी ये सब इसका सिम्टम है। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसका जो है क्वाशियोरकर का सिम्टम क्या है, तो द चिल्ड्रन बिकम इरिटेबल, हमेशा बच्चे चिड़चिड़े रहेंगे, रोते रहेंगे, सीज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ नहीं होगा बच्चों का, देन लॉस ऑफ वेट, यदि ग्रोथ नहीं होगा, मसल्स नहीं बनेगा तो वेट कम हो जाएगा, ठीक है, एंड ब्लॉटेड बेली मींस पेट निकला हुआ बाहर, डिसकलर्ड हेयर एंड स्किन, यानी स्किन का कलर भी जो है वो उसमें सिकुड़ जाएगा, स्क्रीन जो है स्किन, हेयर का कलर चेंज हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन, यानी इस बीमारी में भी क्या होता है, दिमाग का ग्रोथ नहीं होता है, मेंटल रिटार्डेशन बच्चों का होता है, देन थिन लिम्स, यानी पतले पतले पैर हो जाएंगे, तो ये किस बीमारी का सिम्टम है, क्वाशियोरकर का, और ये किसके डिफिशियंसी से होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है, देन आफ्टर द डिफिशियंसी डिजीज ड्यू टू द कॉज ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है, मैनेजमस। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये एनर्जी गिविंग फूड है, इसे एनर्जी मिलता है, एंड प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड, और जब दोनों की डिफिशियंसी हो जाएगी तो कौन सा डिजीज होगा, मैरेस्मस। मैरेस्मस डिजीज में क्या होता है कि इसमें भी वही सब सिम्टम है कि छोटे स्मॉल चाइल्ड में ज़्यादातर होता है, इन्फेंट्स में होता है, ठीक है, और इसमें इन्फेंट्स में जो ये डिजीज होती है तो उसका सिम्टम क्या है कि रिब्स बिकम मोर प्रोमिनेंट, रिब्स जो है वो बाहर निकला हुआ दिखाई देगा, मसल्स नहीं बनेगा, तो हमारा जो रिब्स है जो सीने में जो बोन है चेस्ट में वो बाहर निकला हुआ दिखाई देगा, फिर स्किन रिंकल, सिकुड़ा हुआ स्किन होगा, सनकेन आईज, आंख जो है वो धंसा हुआ रहेगा, थिन लिम्स, हाथ पैर पतले पतले हाथ पैर हो जाएंगे, मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि दिमाग जो है वो ग्रोथ नहीं होगा, ब्रेन का ग्रोथ नहीं होगा, बच्चे जो है वो मंद बुद्धि हो जाएंगे, एंड लो बॉडी वेट, यानी बॉडी का वेट क्या होगा, कम हो जाएगा, मसल्स नहीं बनेगा, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है तो लो वेट हो जाएगा, थिन लिम्स हो जाएंगे, पतले पतले हाथ पैर हो जाएंगे, ग्रोथ इज कम्प्लीटली स्टॉप्ड, यानी कि ग्रोथ बच्चे का नहीं हो पाएगा अच्छी तरह से, ये छोटे बच्चों में ज़्यादातर होता है, तो ये आपका हो गया डिफिशियंसी डिजीज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, मैरेस्मस, एंड ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन ओनली द डिफिशियंसी डिजीज इज क्वाशियोरकर। ये दोनों डिफिशियंसी डिजीज जो है वो बहुत ही छोटे बच्चों में होता है और ये स्मॉल चाइल्ड जो है इससे सफर करते हैं, तो इसके लिए क्या है कि छोटे बच्चों को जो कि ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं रूरल एरिया में हैं, जो अच्छे गुड फूड हैबिट नहीं जानते हैं, बैलेंस डाइट के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम एक चलाया है जिसको कहते हैं ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS प्रोग्राम, ठीक है, और एक और प्रोग्राम है MDM, मिड डे मील, जो स्कूलों में और आंगनबाड़ी केंद्र में जो चलाया जा रहा है, उसमें इस समय क्या क्या आता है कि जो गांव में जो है रूरल एरिया में जो स्मॉल चाइल्ड है, तो जो स्कूल जो पढ़ने जाते हैं बच्चे, उनको सही ढंग से खाना दिया जाता है, पूरे वीक का एक चार्ट बना हुआ है कि कब कौन सा खाना किस डे में क्या दें, ताकि जो भी स्मॉल बच्चे चाइल्ड हैं जो स्कूल में आते हैं पढ़ने, जो गरीब बच्चे हैं जिनको घर पे ठीक से खा नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को सही ढंग से खाना दिया जाए, मंडे को लेकर
मंडे टू सैटरडे तक पूरा चार्ट बना रहता है कि किस दिन कौन सा खाना लिया जाए, ठीक है, जिसमें प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, मिनरल्स भी हो, ये सभी चीजें उसमें इंक्लूड हो। तो ये आपका हो गया मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके बाद में ये भी है, यदि हम बहुत अधिक खाना खा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। व्हेन द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, इट मे कॉज अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। यानी कि यदि हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लें, यूज उसका नहीं हो और हम बहुत ज्यादा खाएं, हमारा एनर्जी लॉस नहीं हो लेकिन हम खाना ज्यादा खा रहे हैं, तो क्या होगा, उसे मोटापा बढ़ जाएगी, ओबेसिटी जिसको कहते हैं, ठीक है। यदि फैट भी हम ज्यादा खाते हैं, फैटी चीज, ऑयली चीज, फ्राइड चीज ज्यादा खाते हैं, तो उससे भी ओबेसिटी बढ़ती है, मोटापा बढ़ जाता है। यदि मोटापा बढ़ेगा तो फिर बहुत सारी बीमारी का घर हमारे बॉडी में हो जाएगा, बहुत सारी डिजीजेज हमारे हमें होने लगेंगी। यदि मोटापा बढ़ेगा, ओबेसिटी लीड्स टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डिजॉर्डर्स ऑफ हार्ट, हार्ट का डिजीज होने का ज्यादा चांस रहता है। यदि कोई बहुत है, मोटे हैं, वेट ज्यादा है, ओवरवेट है, तो उसमें हार्ट प्रॉब्लम होने का ज्यादा चांस रहता है। यदि छोटे बच्चे जो हैं वो भी बहुत हेल्दी हैं, तो कोई भी जो है वो स्पोर्ट्स में नहीं पार्टिसिपेट हो सकते हैं, तेज से दौड़ नहीं सकते हैं, सुस्ती ज्यादा उनमें रहेगी, खाना खाने का हमेशा मन करेगा, तो ज्यादा खाना भी बहुत जरूरत से ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए और जरूरत से कम भी नहीं खाना चाहिए। हम लोग को क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफिशिएंसीज के बारे में, ये चैप्टर आपका भी कंप्लीट हो गया, और इस चैप्टर का जो बुक वर्क है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को समझा दूंगी, और इसके पहले भी जो मैं बुक वर्क होमवर्क में दी थी वो बुक वर्क भी आप लोग अच्छी तरह से बनाए होंगे, उसका भी आंसर मैं आप लोग को बताऊंगी, ओके। आज ये चैप्टर है कम्प्लीट, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग बस इसको अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए और बुक वर्क बनाइए और इसका क्वेश्चन सबका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगी लिख के, ओके। हैव अ नाइस डे।